तो रेसलर विनेश फोगाट मेडल से भले ही चूक गई हो, लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे पर अपनी सियासत से बिल्कुल नहीं चूकना चाहते हैं। देश भले ही अपनी बेटी के लिए दुखी है, लेकिन विपक्षी दलों को इस दुख में भी सत्ता हासिल करने का मौका दिखाई दे रहा है। कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियों ने इस मामले पर खुलकर सियासत अपनी चमकाने की कोशिश की है। राजनीति कारो प्रतरव का जो दौर है वो भी यहाँ पर खेलना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रेसलर विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने की वजह से पूरा देश सदमे में है। आम लोगों से लेकर खिलाड़ियों तक इस घटना ने सबका दिल तोड़ दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इस हादसे पर भी सियासी खेल शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता इस घटना के लिए नई नई थ्योरियां गढ़कर केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात राज्यसभा की, जहां कांग्रेस के सांसदों ने विनेश फोगाट के मुद्दे को लेकर हंगामा कर दिया। इस मामले पर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलना चाहते थे, लेकिन इस दौरान विपक्षी सांसदों ने इतना शोर शराबा किया कि राज्यसभा के सभापति ही नाराज होकर सदन से चले गए। यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पाता, दुखी मन से। कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन में साफ किया कि देश की जनता और सरकार विनेश फोगाट के साथ खड़ी है। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल की को आगे बढ़ाने का विषय है, जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं। एक तरफ जहां सरकार विनेश को हर तरह की मदद देने की कोशिश करने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस इस मामले पर एक कदम और आगे निकल गई। विनेश फोगाट हरियाणा की रहने वाली हैं और हरियाणा में 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस नेता विनेश के मुद्दे पर विधानसभा चुनावों में वोट हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश को राज्यसभा की सीट देने की मांग उठा दी। हमारे तो नंबर नहीं है, 28 एमएलओ से हम नहीं बनेंगे, तो मैंने तो कहा था अगर हमारे आप पूछते हमारे नंबर होते तो आज मैं इसको विनेश को भेजता, ताकि जो उसके साथ जाती हुई है या जो भी हुआ कारण हुआ है गोल्ड मेडल लेके देश की जो बात है। हालांकि खुद फोगाट परिवार ने कांग्रेस की सियासी पैतरे की हवा निकाल दी। विनेश के करीबी रिश्तेदार और कुश्ती कोच महावीर फोगाट ने कहा कि नियमों के तहत ही ओलंपिक कमेटी ने फैसला लिया है। महावीर फोगाट ने कहा कि आज विनेश पर सियासत करने वाले लोगों ने ही गीता बबीता को सम्मान देने से आनाकानी की थी। क्वालीफाई करके आई थी 53 किलो में, सिर्फ हमारे रूल है, सिर्फ पहले गीता ने क्वालीफाई किया वही गई अपने वजन में। कितने इवेंट हुए जो इंडिविजुअल गेम में कुश्ती के बताऊँ मैं, आपने जो वजन क्वालिफाई होगा जो लड़की करके आई, सिर्फ वही लड़की जो ओलंपिक में जा सकती है, दूसरी लड़की उस वजन में नहीं जा सकती जो इसका मुद्दा बना रहे हैं, उन्हें कुश्ती का ज्ञान नहीं है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दूसरे विपक्षी दल भी लोगों की भावनाओं से जुड़े इस मुद्दे पर अपनी सियासी खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सबका उद्देश्य एक ही है, किसी तरह विनेश के मुद्दे को लेकर सरकार को ही दोषी ठहरा दिया जाए। उस खिलाड़ी का, कीनियाई खिलाड़ी का सिल्वर मेडल दिया जाता है, लेकिन क्या हम विनेश फोगाट के लिए आवाज़ नहीं उठा पाए? भारत के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं और अपने खिलाड़ी के लिए एक आवाज़ नहीं उठा सकी हमारी सरकार? कोई व्यक्ति दुख में कुछ कह दे उस बात को हमें पकड़ना नहीं चाहिए, और विनेश जो है इस पूरे अनुभव से और मजबूत होंगी, और हरियाणा सरकार ने उनको कहा है कि हम जो भी सिल्वर मेडलिस्ट को मिलता हम उनको सारी वो सुविधाएं देंगे। विनेश ने जो है सैकड़ों करोड़ लोगों का, 150 करोड़ तो हमारे देश में ही है, उनका दिल जीता है। ये कमी जो है ये टीम का एफर्ट है, इसमें डॉक्टर हैं, कोच हैं, सबकी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कमी है, कोई विनेश की इसके अंदर कमी नहीं है। जिस तरह मेडल हासिल करने के आखिरी पायदान तक पहुंचने से ठीक पहले विनेश ओलंपिक से बाहर हुई हैं, उसका झटका भारतीय खेल जगत पर लंबे समय तक रहेगा, लेकिन खेल तो खेल के नियमों से ही चलेंगे। दूसरी तरफ विपक्षी दल भी ऐसे मुद्दे पर सत्ता हासिल करने के लिए अपना खेल खेल रहे हैं। देश की जनता इस सियासी खेल पर पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन हरियाणा चुनावों से पहले इसका इस्तेमाल करने की शर्मनाक कोशिश को भी जवाब देगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शेख हसीना कहां जाएंगी, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है, लेकिन उनके परिवार के लोग ही कह रहे हैं, जिससे आशंका और ज्यादा बढ़ गई है कि शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौटेंगी। कौन परिवार का? उनके बेटे साजिब वाजिद ने बड़ा बयान दिया, एक वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना सही समय आने पर वापस बांग्लादेश जाएंगी। बांग्लादेश में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। पूरे देश में हिंसा की आग लगी है। कट्टरपंथी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, रास्तों पर सेना मार्च कर रही है। विकास की पटरी पर चलने वाला देश अब पूरी तरह से डीरेल हो चुका है। ऐसे में शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने एक बयान देकर फिर से हलचल पैदा कर दी है। सजीव वाजिद ने शेख हसीना के दोबारा बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री करने की ओर इशारा किया है, जिसके बाद लगता है कि अब बांग्लादेश में बेगम वर्सेस बेगम की लड़ाई देखने को मिलेगी। एक तरफ शेख हसीना है जो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा शासन करने वाली महिला नेता हैं, जिन्होंने लगातार चुनावों में जीत दर्ज कर सत्ता हासिल की थी, तो वहीं दूसरी तरफ खालिदा जिया है जो साजिश कर सत्ता हासिल करना चाह रही है। दरअसल शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने फेसबुक पेज से एक वीडियो संदेश जारी कर साफ शब्दों में संदेश दिया है कि अभी शेख हसीना मरी नहीं है, वो कहीं नहीं गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश की राजनीति में वापसी की योजना बना रही है। बांग्लादेश विशृंखल परिस्थिति चलते, सारा देशे भांगचुर होच्छे, लुटपाट होच्छे, শহরের বাইরে আমাদের নেতাকর্মী, আমাদের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর হামলা চলছে, অনেকে হত্যা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ কিন্তু মরে যায়নি, আওয়ামী লীগ এই দেশকে, বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে, আওয়ামী লীগকে শেষ করা সম্ভব না। আমরা বলেছিলাম যে আমার পরিবার আর রাজনীতি করবে না, তবে আমাদের নেতাকর্মীর উপর যেভাবে হামলা হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি না। इतना ही नहीं, सजीव वाजिद ने आवामी लीग के नेताओं को भी साहस के साथ खड़े रहने का संदेश दिया और कहा कि नए बांग्लादेश का निर्माण आवामी लीग के बिना संभव नहीं है। हम देश, हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं और आवामी लीग की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करने के लिए तैयार है। बांग्लादेश यदि गणतंत्र नतून बांग्लादेश गढ़े तुलते है, आवामी लीग छाड़ा संभव ना। आवामी लीग হচ্ছে সবথেকে বড় দল। আওয়ামী লীগ কোথাও যাবে না, আওয়ামী লীগ শেষ হয়ে যাবে না, আওয়ামী লীগকে শেষ করা সম্ভব না। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আমি সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা সাহস নিয়ে দাঁড়ান, আপনারা একা না, আমরা আছি। বঙ্গবন্ধুর পরিবার কোথাও যায়নি, আমরা আপনাদের সাথে আছি। দেশকে, আমাদের নেতাকর্মীদেরকে, আওয়ামী লীগকে রক্ষা করার জন্য যা প্রয়োজন আমরা করতে প্রস্তুত। जिस तरह से सजीव वाजिद नया बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं, आवामी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को साहस के साथ खड़े रहने का संदेश दे रहे हैं। लोकतांत्रिक, सुरक्षित, व्यवस्थित, उग्रवाद मुक्त बांग्लादेश का संदेश दे रहे हैं। उससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद एक बार फिर बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।